केंद्र सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति का हर वर्ग ने स्वागत किया है और अब शिक्षा संस्थानों को इस शिक्षा नीति को सही ढंग से अपनाकर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। NIT हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया कि नवयुग का नव सृजन करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि युवा वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत और प्रयासों के बल से न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए युवा आगे आए। देश की शिक्षा नीति का स्वागत समाज के हर वर्ग ने किया है। पिछले लंबे समय से, लगभग 30 वर्षों से इसका इंतज़ार था, लेकिन मोदी सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करके इस शिक्षा नीति को लेकर आए और जिसका सभी शिक्षण संस्थानों ने, प्राइवेट, सरकारी, सभी बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविद ने, स्टूडेंट्स ने, बाकी सब ने इसकी बहुत तारीफ की है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ही सब कुछ निर्भर करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी राज्य इसको प्राथमिकता के साथ लागू करेंगे। सर, मैं युवाओं से इतना ही कहूँगा, नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ये जमाना तुम्हारे साथ में है। आप वर्तमान भी हैं, भविष्य भी हैं, और जो आपने सीखा है वो एक शिक्षा के रूप में आप प्राप्त करके जा रहे हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों के बल पर नए भारत का निर्माण, न्यू इंडिया का निर्माण आपको करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इनोवेट भी करेंगे और दुनिया भर में भारत का नाम भी रोशन करेंगे। NIT हमीरपुर में आयोजित वर्चुअल दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में चुनिंदा लोग ही बुलाए गए थे और छात्रों को वर्चुअल के माध्यम से जोड़ा गया था। इस अवसर पर संस्थान निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संस्थान के विगत वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का युवा प्रतिभाशाली है और सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का युवा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं के द्वारा जो भी सुझाव और मांगे स्टार्टअप की दिक्कतों को दूर करने के लिए की गई थी, उसे सरकार ने पूरा करने के हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने पूरे विश्व में स्टार्टअप अभियान में पहले 3 स्थानों पर खड़ा किया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतिभाशाली है और मोदी जी ने उनको प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने का और युवाओं ने उसका हर संभव लाभ उठाया है। हमने तो उनको जो भी मांगे थे उनको पूरा करने का काम किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो, एंजल टैक्स की बात हो, या बाकी सुविधाओं की बात हो, यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक विशेष सेल बनाया गया ताकि स्टार्टअप्स के जो विषय हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा देखिए, भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के आधार पर भारत का नाम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के युवाओं की और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगे भी और स्टार्टअप्स आए, यूनिकॉर्न्स बने और भारत के रोजगार के अवसर भी पैदा करें और भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाएं। विपक्ष द्वारा कोविड वैक्सीन पर उठाए जा रहे सवालों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैक्सीनेशन का अभियान पूरे विश्व में सबसे बड़ा अभियान है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है कि बीमारी की हालत में उनके नेता विदेश में जा रहे हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाना देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गाना महाअभियान शुरू किया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान है। मुझे लगता है ये उपलब्धियां भारत की हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं और कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का ये बुरा हाल है कि उनके नेता इस महामारी के समय विदेश में हैं। अब विदेश में थे तो क्या घूमने गए थे, वैक्सीनेशन करवाने गए थे, या कुछ और कामकाज था वो करने गए? हमारे जितने पार्टी के कार्यकर्ता नेता हों इस महामारी के समय भी जनता की सेवा में करने लग रहे और इस COVID-19 के समय जिस वैक्सीनेशन का पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, जिस वैक्सीन का इंतज़ार कर रही थी, उस वैक्सीन के आने पर अगर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिकों पर, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं भारत की ताकत पर, भारत के नेतृत्व पर। कांग्रेस सदा नकारात्मक सोच वाली राजनीतिक दल रहा, इसीलिए पतन की ओर जा रहा है।